हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। तो एडमिट कार्ड तो अब आ गया है, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप उसके मेन वेबसाइट पे जाएंगे, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेन वेबसाइट है वहां पर आप जाएंगे और उसके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में एक अलग पेज खुलेगा और उसके दाएं साइड में देखेंगे लिखा हुआ है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर आप बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो एक नया ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे आपको लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। इन केस अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड मिसिंग है या फिर भूल चुके हैं तो वहाँ पर आप फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे और फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड पर डालने के बाद में एक अलग पेज खुलेगा और उस पेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और उसके बाद में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को मांगेगा। इस सारे इन्फॉर्मेशन देने पे आपके मोबाइल पे यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, फिर वहाँ से आप लॉगिन करके आप एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आपको जो अपना जो डैशबोर्ड है बीपीएससी में, जो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो आपका डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड खुल जाएगा और डैशबोर्ड के दाएँ साइड में देखेंगे लिखा हुआ है पीटी एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो पीटी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद में एक अलग पेज खुलेगा जिसमें कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया जाएगा। हालांकि उसके बाद में फिर कैप्चा मांगेगा, तो कैप्चा करने के बाद में फिर आपको एडमिट कार्ड जो है आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था जो बीपीएससी का एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने का प्रोसेस। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ कहाँ सेंटर दिया है और कैसा कैसा सेंटर दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका शायद किसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर क्या हो गया है, तो आप अपना व्यू जरूर शेयर करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द 1st जुलाई। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।